नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक घंटा पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी 100%। आप नहीं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। और एक घंटे के बाद वैकेंसी बढ़ के आ गई। यहाँ पे LP के लिए लाठी डंडे कितने खाए, कितने धाराएं लग गई पटना में, इकट्ठा होने पे पाबंदी लग गई, लेकिन अंततः जाके आंखें खुली और अच्छी खासी वैकेंसी। अब मुझे लग रहा है कि रेलवे वाले जो एस्पिरेंट हैं वो बम्पर तैयारी करने के लिए और बढ़ चुके होंगे। यहाँ पे 18,799 यानी कि तकरीबन 19,000 पद LP के बढ़ा के दिए गए हैं। तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नोटिस आ गई है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तमाम रेलवे के अपडेट के लिए। और LP की तैयारी कर रहे हैं तो मैं 5 बुक आपको सजेस्ट करूँगा। किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान, जो कि NCERT पैटर्न पर लिखा गया है। उसी तरीके से LP के फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के लिए सॉल्ट पेपर, जिसमें कि 56 सेट्स हैं TCS पैटर्न पर। रेलवे के लिए रीजनिंग के सॉल्ट पेपर, जो कि आपके 87,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। और एक बुक है आपके मैथमेटिक्स के, जो कि रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं सभी में उपयुक्त है, आपके LP के लिए भी उपयुक्त है। और रेलवे के साथ संग्रह, जहां पे 27,000 प्लस आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं। तो ये 5 बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप LP की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था ये वाला जो वैकेंसी है, आप देखेंगे कि जो इंक्रीज हुई है 18 के डेट में, ये नोटिस रेलवे बोर्ड ने रिलीज की है। देखिएगा, इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड वाइड वोट्स लेटर, जो नंबर है सच एंड सच कन्वेइंग अपील, देखिएगा बोर्ड्स फॉर नोटिफिकेशन 5696 वैकेंसी ऑफ LP थ्रू CEN 01/2024 ऑन रिसिप्ट ऑफ एडिशनल डिमांड ऑफ LP फ्रॉम जोनल रेलवे, द इशू हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज़ डिसाइडेड विथ अप्रूवल ऑफ कंटेम्प्ट अथॉरिटी टू इनहेंस LP वैकेंसी फॉर जोनल रेलवे एज अंडर। यानी कि बाद में रेलवे को जरूरत पड़ा कि वैकेंसी इंक्रीज करनी चाहिए, और उसके तहत आप देखेंगे सेंट्रल रेलवे में बढ़ा के कितना कर दिया गया, 1783 कर दिया गया सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो 76 था 76 ही रहने दिया। उसके बाद 479 था, उसको बढ़ा के आप देखेंगे कि ट्रिपल कर दिया गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भुवनेश्वर की ओर या आप कलकत्ता और भुवनेश्वर के बीच की जो ये गेज रेलवे है वहाँ पे। ईस्टर्न रेलवे 415 था, उसको बढ़ा के फिर से तीन गुना कर दिया गया, 1382 कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे की, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की 241 से 802 कर दिया गया। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो 43 मात्र था, उसको 143 कर दिया गया है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी कि ये गुवाहाटी की बात करें तो 1229 को 428 कर दिया गया। नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो 150 था, उसको 500 कर दिया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जहां पे 228 था, 761 कर दिया गया है। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें, 585 से बढ़ा के लगभग 2000 कर दिया गया। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिएगा साउथ सेंट्रल रेलवे, जहाँ पे 1192 था, उसको 4000 के तकरीबन कर दिया गया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो 300 से बढ़ा के 1000 कर दिया गया है। साउथर्न रेलवे की बात करें तो 218 से लेके 726 कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो 773 से यहाँ पे बढ़ा के 1576 कर दिया गया है। और साउथ वेस्टर्न रेलवे वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो 219 से बढ़ा के 729 कर दिया गया है। और वहीं लास्ट में वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो 413 से बढ़ा के 1376 कर दिया गया। यानी कि बढ़ोतरी आप देखेंगे तकरीबन तीन गुना से भी ज़्यादा, यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि उससे ज़्यादा ही हुआ है। तो अच्छी खबर है, आपके जितने भी वैकेंसी आएंगे अब पहले जैसा ही आएंगे, रेगुलर वैकेंसी आएंगे। जो चीज़ें हुई है, पिछली घटनाएं हुई है, अब आप मान के चलो कि रेलवे जो एस्पिरेंट है वो खुश रहिए, आबाद रहिए और जिंदाबाद रहिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।